पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का जो आज मैच था इट वाज नॉट आई वोंट से लाइक इट वाज अ ह्यूमिलेटिंग डिफीट बट तो नहीं कह सकते बट <laughs> uh, दुखी बहुत ज्यादा थे <laughs> यार अभी आपको मैंने इंट्रोड्यूस कराना था इज इज इट इट पीएसएल जस्ट पीएसएल लाइक मतलब द राइज ऑफ इंडिया हैज इट बीन जस्ट और सॉरी टी या आईपीएल कट करो जी इन कट करो सो यू नो नर बंद हो गया <laughs> <laughs> ये, ये काट देना यार <laughs> असल फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अंदर एपिसोड जैसा कि आपने देखा है कि आज पाकिस्तान और साउथ uh, अफ्रीका का मैच था और इट वॉज़ वेरी एम्बेसिंग बट द गुड थिंग इज के एटलीस्ट फाइट करके हरे हैं हम हर मैच embarrassing था आज की पॉडकास्ट में मैंने uh, रेहान भाई को बुलाया है रेहान सरवर इज़ माई मैं Uh, he is my senior, he is my colleague, he is a very good friend. So thank you so much, uh, Shahan Bhai, for accepting the invitation pleasure, and coming pleasure. here. It of is honored to have you here. So <laughs> जी अब सर बताएँ और <laughs> सर बिस्ती तो हो ही हुई है but बहुत ही पैड़ी बिस्ती नहीं हुई इसी की खुशी है <laughs> असल में बताऊँ कि आप, आप, हर दफ़ा दुख ही होता है लाइक like, अगर हम हार जाते हैं वन साइडेड मैच हारते हैं तो बंदा कहता है यार फाइट करके हारते तो दुख न होता आज फाइट करके आ रहे हैं तो इस पर दुख हो रहा है यार थोड़ी सी और कर लेते तो जीत जाते यार डोंट यू थिंक अच्छा वैसे ये ये आई बिन थिंक अबाउट दिस फॉर अ लिटिल बेट पाकिस्तानी टीम यूज टू बी वेरी गुड एट नेलिंग अपॉर्चुनिटीज राइट लेटली दे है बिन एज गुड अब ये मुझे नहीं पता कि दिस इज बिकॉज

टेल्स शायद उतने बनीज भी नहीं रह गए अब लेकिन मैग्रा वॉल्श एम्ब्रोस टाइप की टेल्स नहीं है अब right. टेल टेल एंडर्स हैं जो थोड़े छिके छुके भी मार देते हैं yeah, uh. और ये वो शमसी <laughs> right. भी जाते हैं सो यू नो नो आई बट द पॉइंट के अगर यही पाकिस्तान की टेल होती तो यू थिंक पाकिस्तान की टेल अभी भी बनीज है। <laughs> उन्होंने <laughs> बैट फड़ना हाले भी नहीं आता दूसरों भी टेल बसों में <laughs> और वे डू यू थिंक वी फेल शॉर्ट लाइक इट वॉज बिकॉज ऑफ बॉलिंग या बैटिंग में हम लोग पूरे ओवर्स नहीं खेल सके एंड वी फेल शॉर्ट सच्ची जो बात है ना बैटिंग मैंने देखी को नहीं पाकिस्तानी टीम की बैटिंग हैज ऑलवेज बीन अ सोर्स ऑफ एंग्जायटी फॉर मी मैं right, हो राइट मैं ब्लड प्रेशर का सो मैंने तो एक्चुअली जिस वक्त आपने मुझे मैसेज किया ना कि पॉडकास्ट करनी है मैच भी देख लें थोड़ा देख कार मैंने आपको वैसे मैसेज किया इसीलिए किया था कि यू नो डबल चेक कर लूँ कि आप देख रहे हैं ना बट या बट आई गेस आई गेस हम सबका ही वो टाइम आने वाला है जब यू नो आहिस्ता आहिस्ता हम पाकिस्तान की बैटिंग या बॉलिंग देखना छोड़ देंगे वो आ, वो जो कंकशन सब था वो किसकी जगह आया था भला शदाब 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 को क्या बैटिंग करते हुए कुछ पढ़ा नहीं नहीं फील्डिंग करते हुए <laughs> अच्छा ओ यार नहीं वैसे सॉरी सॉरी वी वी शुडंट लाफ अबाउट द फैक्ट दैट ही गॉट हिट बट एंड यू नो बेस्ट विशेस टू शदाब बट um, uh, uh, वो जो उसामा आई थिंक वेट वॉज उसामा द गाई वी सॉ इन शिकागो

नवाज hmm. uh, भाई <laughs> जैसे मर्जी हो बट नवाज भाई का इंप्रेशन जो है ना वो कोहली वाले ओवर के बाद मेरा खत्म हो चुका है hmm. जो जो इंडिया वाले मैच में बॉलिंग का तो खत्म गया। <laughs> गया। इंप्रेशन बैटिंग का भी खत्म हो गया आज हमें रना बॉल चाहिए था अगर सिंगल सिंगल भी करते रहते तो तीन तक पहुंच जाना था नाइनटी वर्ल्ड कप आई कंसिडर दैट टू बी देश वॉज कंप्लीटली बैलेंसड

एफर्ट yeah. uh, अच्छी थी बट देवर शॉट लाइक अगर वो होते तो वो फैक्टर हो सकता था पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जीतते हुए <laughs> <laughs> लेकिन अच्छा वैसे एंड ये, ये, <clears throat> uh, लेकिन uh, शायद पाकिस्तानी टीम की जो ये मर्क्यूरियल नेचर है ना शायद इसी वजह से वी कैंट रियली गिव अप ऑन दैम इधर राइट right. कुछ right. पता नहीं होता किसी दिन आप उठ के मैच जीत रहे क्योंकि अभी पिछला मैच अफगानिस्तान yeah. से यू नो आई डेंट वॉच द मैच बट इट सीम लाइक क्रिक इन्फो भी ऐसी लग रहा था कि <laughs> you know, right. right. kind of, uh, तो मतलब nah, like, yeah. हाँ और वो एक से अगले मैच में आके yeah. जो है वो आई वोड से आज Um, at least end pay pe performance the i wouldn't call that bad it's just ke, you know there weren't enough runs it seemed right. like yeah. thode right because because pitch be, i guess it was easily like 300 pitch i believe hmm. yes, hmm. but now uh, like वी ऑल you know, आर यू नो सपोर्टिंग पाकिस्तान टीम हर हाल में सपोर्ट करते हैं आई वॉज वेरी डाउन इन द मॉर्निंग कि यार हार गए हैं वर्ल्ड कप से बाहर हो गए बट मैंने एक स्क्रोल करते हुए एक पोस्ट देखा कि अभी भी चांस है <laughs> अच्छा बस हाँ ये ए, ए, मैंने समझाओ ज़रा अब क्या चांस है अच्छा मैं तुम्हें अपनी थिंकिंग बताता हूँ Uh, पाकिस्तान टीम अब मैक्सिमम कर सकती है तो दस पॉइंट कर सकती है शायद फोर एक्चुअली टॉप फाइव जो है उनके सारे पॉजिटिव में आज वाला मैच था ना उसमें बेसिकली ये था कि वो एक तो exactly. तो बड़, बड़ क्लियर ग्रीन सिग्नल था कि यू नो इज अ चांस के आगे जा सकते हैं बिकॉज hmm. okay. एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिल रहा था yeah. so, या असल में ये ना अब <laughs> थोड़ी पॉलिटिकल बात हो जाएगी लेकिन जो थोड़े इमरान खान के मुखा, मुखालफ हैं ना वो हमेशा ही कहते हैं कि यार 92 का वर्ल्ड कप जो है ना <laughs> उसने हमें फंसवा दिया है <laughs> <यासी> कि <के laughs> उसने हमें इस चीज़ में भी पंसवा दिया कि नाउ वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर सम आउटसाइड वे जिसके थ्रू पहुँच जाएंगे और अभी भी शायद टेक्निक्स भी वही वाली फॉलो कर रहे हैं लाइक

सो इट्स इट्स वेरी एविडेंट के हम लोग एज आ नो मतलब एक तो वो शायद हमारा ये एज अ नेशन ये ख्याल है कि जोश जज्बा जो है ना वो हम कुछ भी कर देंगे बट वी आर नॉट रियली विलिंग टू स्पेंड द टाइम लाइक अगेन पोलिटिकल सी बात है थोड़ी सी बट हम डिक्टेटर्स को बोलते हैं

इट हैज बिन खास बैटिंग का टैलेंट जो है ना एट आई नो यू थिंक अबाउट दैट बट मुझे लगता है कि एनसीए के बनने के बाद से हमारा बैटिंग का टैलेंट थोड़ा सा बेहतर हो गया अब बिल्कुल कह सकते हैं जो बैट्समैन आ रहे हैं अब असल में हमारी कॉम भी तो थोड़ी सी वो है ना कि एक मैच सही नहीं खेले तो चलो जी इन ला दें लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ओवरऑल एवरी स्पोर्ट है मतलब वो इस, इस ट्रेंड के साथ रह सकें द अदर थिंग आई वॉज थिंकिंग वॉज इंग्लैंड को देखें आप इंग्लैंड okay. की साथ बड़ी पैड़ी हुई थी ट्वेंटी फिफ्टीन वर्ल्ड कप में उन्होंने right. चार साल लगा के

बट जब मैं अपने आप को उस पोजिशन में सोचताई है like, जितने मर्जी सिनिकल हो जाए हम इवन आई वॉज थिंकिंग यार कोई चांस नहीं बन सकता <laughs> कि उन्हें भी पहुंच जाए किसी तरह लुकिंग टू दैट सो आई गेस नाइंटी टू वर्ल्ड कप वर्ल्ड कप इट्स सेल्फ की शायद प्रेस्टीज ज्यादा है

ये चीज जो है ना ये इसका क्रेडिट हमारे कैमरा मैन को जाता है कि आप हमें याद नहीं है कि कड़ी गल कर ली है तो केड़ी यार अभी भी चेक कर लो रिकॉर्डिंग हो रही है इट वाज पिक्चर आई वाज रिकॉर्डिंग का जब वो बटन प्रेस किया हुआ था ठीक है, थीक है? थीक है? थीक है? ये भी नहीं काटेंगे हम कमिंग बैक टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन लाइक

I do not remember a time when Pakistan lost mm -hmm. after giving a good fight, and right. I don't have a good memory about that. Right. Like I, we, we talked about the fact that you know Pakistani team had a lot of sort of that killing instinct. Came mm -hmm. you know as soon as the tail was uh, exposed, they would just yes. go for the kill and everything. Um, even when that didn't happen, like I I remember. द टाइम जब वो नाइन्टी थ्री नाइन्टी फोर का मेरे ख्याल से टाइम था जब न्यूजीलैंड uh, के साथ एक मैच था बिल्कुल एंड पे जा के आई थिंक टाई हुआ था <laughs> और मतलब जीते जूते कोई नहीं थे बट मी एंड माई ब्रदर साउट आउट टू डॉक्टर शाह सरवर वर एक्सटेटिक अबाउट दैट वो देख लें आप उसके बाद आ, जो आ, मेरे ख्याल से 99 में नाइन में इंडिया में एक ट्राई सीरीज हुई थी ये वो जो चेन्नई वाला टेस्ट था उसके आई थिंक फॉरन बाद फ़ौरन पहले थी वी हैव टू टॉक अबाउट द चेन्नई क्राउड लेट्स 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 कीप चेन्नई क्राउड बहुत आला यार, right. है यार कोई शक नहीं है बट इवन दैट वो श्रीलंका से मेरे ख्याल से हार गए थे और बिल्कुल एंड mm में -hmm. जाके शायद कुछ एक दो रनों से हारे थे आई डू नॉट हैव अ बैड मेमरी ऑफ एनी ऑफ दिज मैचेस दौनली थिंग यू वॉन्ट फ्रॉम यूर टीम सो वैन द टीम डज पुट ऑल द एफर्ट इन ठीक है यू नो ऑल ऑफ द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ द प्लेयर्स आर देयर वो जिस तरह कहते हैं ना कि अगर आपकी कौम ही सारी क्रफ्ट है तो आपको रिश्ते लीडर नहीं मिलेंगे आपको right. लीडर भी उसी तरह मिलेंगे, right. तो आपकी कॉम सारी जितनी you know, तो <laughs> प्लेयर भी वैसे ही मिलेंगे बट दे आर गुड दे आर स्टिल वेरी गुड सो वी नीड टू सपोर्ट बिकॉज और अगर आप उस तरह टैलेंट वाइज देखें स्किल वाइज देखें आई गेस आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम दिस वॉज वन ऑफ द बेस्ट टीम लाइक स्किल वाइज यू नो वी हैड सम प्रॉपर बैट्समैन प्रॉपर बॉलर जिनके यू नो यू नो देवर प्लेइंग वेरी गुड क्रिकेट यार वो श्रीलंका वाला जो मैच था अगेन yes. मैं ब्लड <laughs> प्रेशर का मरीज हूँ मैं बहुत ज़्यादा टेंस मैच नहीं देख सकता खास तौर पे जब बैटिंग कर रहे हो बैटिंग तो मुझसे नहीं देखी जाती पाकिस्तानी टीम की <laughs> वो आई गैस हम सब पे वो आने वाला टाइम आने वाला है करीब बट दैट वॉज अ वेरी गुड चीज लाइक मतलब बाद में मैंने वो मैच देखा uh, उसकी रिकॉर्डिंग वेरी गुड चीज वो जो साउथ शकील बैट्समैन ही अब्दुल्ला शफीक वो जो जो सेंचुरी जिन्होंने की थी इन दैट मैच या मतलब एवरीबडी इज

और मतलब हम वो अफगानिस्तान वाले मैच का मजाक उड़ा रहे हैं लेकिन अब अफगानिस्तान वाली मैच में भी मतलब को थोड़ा बहुत उन्होंने वॉक like ओवर इट वॉज लाइक अफगानिस्तान बिल्कुल ही मतलब यू you नो know, बड़े आराम से जीत गया और बट उस पूरे पर पर मैच में पाकिस्तान वॉज नेवर इन द मैच लाइक like, <coughs> उस तरह तो आगे ना। बार ठीक है लाइक देर वर बिट्स एंड पीसेज थोड़ा सा लग रहा था कि यार शायद अफगानिस्तान की टीम कोलैप्स कर जाए जो उनकी बैटिंग है बट कोलेप्स पाकिस्तानी टीम जो है ना अगेन माई ब्रदर यूज टू से द वे दे कम इन टू द ग्राउंड यू कैन टेल कि आज फाइट right. होगी कि नहीं होगी राइट right, राइट right. और जो आज हारिस राउ साहब ने जो कैच पकड़ा है ना यार मैं कहता हूँ कमाल मतलब उस बंदे के अंदर इतनी भी अवेयरनेस है कि मैंने कैच अब पकड़ लिया है तो मैंने कौन ही नहीं लगने देनी थले वर न छोड़ देगा और अगर आप दोबारा देखें ना तो वो वो लेटे लेटे ही ना अपना एक्शन कर रहे थे जिस नॉर्मल बॉलर करते एक्चुअली यू नो वट ये मैं ए, एक चीज़ जो सोच रहा था अभी पिछले दिनों ये भी कि अभी पिछले दिनों तो पाकिस्तानी नंबर वन थे क्रिकेट yeah. वनडे क्रिकेट में डोंट यू थिंक पाकिस्तानी अर्ली पीक कर गए क्योंकि ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है कि यू पीक टू अर्ली सो यू नो दैन इट्स कंड डाउन हिल फ्राम वो वो काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने जो मैचेस खेले हैं ना वो लाइक ज़रा थोड़ी सी हल्की टीम्स के साथ खेले हैं इसलिए वो रैंकिंग में ऊपर आ गए ज़ देर इज़ देर मैरिट टू दैट क्योंकि अच्छा जो मैच जीते हैं उससे पहले वो तो एक वो न्यूजीलैंड के साथ मेरे ख्याल से फोर जीरो एक हाँ, सीरीज जीते हैं हाँ, लेकिन वो न्यूजीलैंड के भी सारे प्लेयर्स नहीं थे जो उसके नौ, नॉर्मल जो उनके अच्छे में होते हैं सेम गोज विद ऑस्ट्रेलिया अच्छा और शायद वो उनके शायद रैंकिंग में पॉइंट ज्यादा थे तो उनको हराने के बाद यू नो they oh, bombed on them I mean I am I don't play match I don't watch cricket nowadays it's my opinion that yaar it's become this they were the number one they were winning all these but again maybe they they themselves assumed that they are number one in fact in reality they were not oh, they they drank their own cool yeah. <laughs> but yes, आई गेस एशिया कप से पहले तक इवन वो हल्की टीम्स के साथ भी खेलते थे बट टीम का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा था लाइक आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि इस दफा टीम जो है ना वर्ल्ड कप में बड़ा अच्छा करेगी बिकॉज लाइक फीलिंग आ रही थी वो वाली यू आर राइट इन दैट सेंस वो जो आप कह रहे हैं कि लाइक पीक शायद पहले पकड़ लीजिए शाहीन अफरीदी यार शाहीन अफरीदी देख लो ना शाहीन अफरीदी ने जिस तरह से वो शर्मा वगैरह को आउट किया था एशिया कप में राइट हट वॉज परफेक्ट राइट अगले ने फाड़ लिया होते कि हाथ में दस नहीं <laughs> तो पता लग गया था उन्होंने तो बॉल कितना कर सकते राइट सो वो आई गैस जो ऑस्ट्रेलिया uh, को आप देखें ना 99 yeah. में ऑस्ट्रेलिया पीक एग्जैक्टली द राइट टाइम लाइक तीन मैच हार के फिर पीक की था उन्होंने वो तो उनकी पीक तो फिर वर्ल्ड कप तक ही। वो, तो फिर साल तक वो पीक वो, की हमें लड़ी रही अब मुझे लग रहा है कि शायद वो जो नाइनटी से 2007 <coughs> तक जो ऑस्ट्रेलिया वाला टाइम था ना शायद वो इंडिया, इंडिया की टीम वैसे लग रही है मुझे तो यार वी है इंडिया की टीम भी यूज टू बी लाइक पाकिस्तान कभी हार गई कभी जित गई थोड़ी मक्यूरियल ही होती थी बट नाउ देर बिकमिंग वेरी प्रोफेशनल वेरीस हर बंद को पता है कि उसने क्या करना है एंड दे कैंड क्लिनिकली गो आफ्टर द होल थिंग सो वी शुड एसर इंडियन हाउ डैट फील बिकॉज अगेन मी एंड माई ब्रदर टू सो मी एंड माई ब्रदर यूज टू बी ह्यूज क्रिकेट फैन और मतलब आई गेट द रीजन आई एम सच अग फैन ऑफ क्रिकेट इज बिकॉज माई ब्रदर वी यूज टू से कि ये जो ऑस्ट्रेलियन टीम है ना इनको देखने का कोई मजा नहीं है बिकॉज यू नो एक्चुअली आई एम सो सॉरी ही टू से दैट अबाउट साउथ अफ्रीका लेट नाइन्टीज का जो साउथ अफ्रीका right. था ना बॉब बुलमर के अंडर जो साउथ अ right. right. था फांसी क्रोनिया वगैरह बिकॉज दे यूज टू बी वेरी क्लिनिकल I remember <coughs> वो, उनके काम नहीं है, तो है, है पीछे पैसे तो yeah. so yeah, sure. sure like like, बस चुप कर जाओ हम चार साल बाद <laughs> yeah, right. uh, जिस तरह पहले आस्ट्रेलिया की लगता था कि यार दिसरी क्लिनिकल परफॉर्मेंस आई गेस वो अब इंडिया के साथ देख के वो फीलिंग yeah. आती है ज़्यादा थोड़ा सा शायद उसमें ऑब्वियसली प्रोफेशनलिज्म भी शायद थोड़ा आ जाता है थोड़ा फैसिलिटीज़ भी आ जाती हैं थोड़े पैशन uh, भी आ जाता है थोड़ा उनको जो सिक्योरिटी uh, भी आ जाती है सो यू नो इट्स इट्स ऑफ इट्स अ टीम स्पोर्ट फैसिलिटेटेड आई गेस वो रोहित शर्मा के अलावा जो बाकी सब जो हैं वो तो दे आर फिटनेस फ्रीक आई बिलीव लेकिन उनका वो ट्रेंड ही ऐसा सेट हो गया टीम के अंदर Hmm. जो भी हाँ रोहित शर्मा इसे लिटिल पोर्टली रहे साढ़े रखा है बट आप वो देखेंगे वो वो हो के इतना हो के भी वो यू you नो know, <laughs> यार वो लाइक अनमैचेबल परफॉर्मेंस लाइक जब छिके पहलता है एग्जैक्टली <laughs> <Exactly, laughs> तो, तो लगता है वो उसको देख के लगता है कि बंदा फिर काब्स और खाए बिकॉज लाइक ही प्लेस लाइक वो वो तो नहीं सामने वाली टीम का लास्ट क्वेश्चन पाकिस्तान आगे जाता है कि नहीं जाता सो वे डू यू सी बाबर आजम एज अ कैप्टन लाइक शुड पाकिस्तान कंटिन्यू विद बाबर आजम या बाबर आजम को खुद से कैप्टनसी से साइड पर होके अपनी बैटिंग पे फोकस करना चाहिए एंड नो रिकॉर्ड बनाना <coughs> चाहिए यार um, एक बात तो शायद आई गैस यू नो यू एन आई वुड एग्री ऑन के बींग ग्रेट प्लेयर एंड बींग अ ग्रेट कैप्टन इज नॉट द सेम थिंग राइट कैप्टनसी के लिए आपको जिस किस्म की नॉट जस्ट सिचुएशनल अवेयरनेस इन जेन्युटी जिस किस्म की चाहिए सॉरी टू से बट एंड एंड आई वुड लव योर फीडबैक ऑन दिस बिकॉज आई 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 बिन थिंकिंग अबाउट दिस बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा बातचीत रही है <laughs> आजकल के ला दू नू right. ला दू ला सो आई वॉज थिंकिंग आप इमरान खान से शुरू हो जाए hmm. इमरान खान यस देर इज नो

उसमें कोई पता नहीं मोहम्मद यूसुफ और शुएब मलिक ने चंगा ही रन बनाए तीन सौ ती मेरे ख्याल से और इंडिया फिर हार गया वो मैच सेमीफाइनल पहुंचे डैनियल बिटोरी सामने से कैप्टन न्यूजीलैंड का वो पिच कोई दो सौ साठ सत्तर वाली पिच थी आई थिंक सेंचुरियन की विकेट थी

Yes. But भी क्वेश्चन है uh, uh, शदाब है उसकी तो अपनी जगह नहीं बनती so है जिसकी जगह नहीं बन रही होती उसको <laughs> पहले कैप्टन बना देते हैं बट आई थिंक दिस दिस प्री मेर जिस तरह आप कह रहे हो ना देर इज स्टिल चांस हाल भी पहुंच सकते हैं As a sort of you know, as a cricketing nation that we need to think about and what our um, Pakistan cricket board needs to think about is not to issue the kind of press releases that they are issuing, stand behind the team right now, and then once we are on the other side, come up with a plan. Right. Like we, all of us work in the in the kind of industry jahape plans and then processes are very paramount, are considered very paramount and that is because they give you results right um, plans and processes have their uh, place in cricket passion has a, a place in its cricket uh, and definitely talent skill also right. has a place so you know um what, what definitely you know pakistan pakistani sort of cricket board needs to do a little bit of a rethinking but that the time is not for that right now no, right, right agree, now it's you know sort of yeah jate jate koi audience ke liye koi message ऑडियंस के लिए मैसेज आएगा आइगैस यही होगा कि वी लव लवो जो शुरू में एक बात हम लोगों ने की थी वी लव दिस पाकिस्तानी टीम बिकॉज दे आर मर्क्यूरियल दे मे नॉट बी वेरी क्लिनिकल बट वी लव दम बिकॉज ऑन द डे देर एटीट्यूड टेल्स अस दैट दे आर गोइंग टू स्ले सम्रैगन्स टूडे अगला मैच हम लोग फिर देख रहे होंगे <laughs> वो तो हम लोग मतलब पूरे जंकी है ना <laughs> <laughs> हम वी कैंट गिव अप ऑन दिस क्रैक बट यू नोट अगेन थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन आई एम एटलीस्ट टू अलग मैं वो ये अमेरिकन फुटबॉल भी देखता हूँ ना देर आर सो मैनी थिंग्स इन देयर कि मुझे होता है, यार या, उम्र नहीं रह गई रहेगी सोचिए कि मतलब की हो रहा है। अब वो आज वो एल बी डब्ल्यू था, था वो देखते साथ ही नजर आ रहा था कि यार थोड़ा ये ये है नहीं लगता जाके अगर उसने दे दिया होता ना अंपायर ने आउट तो फिर वो बच हाँ, जाना था हाँ, लेकिन वो पायर छोड़ा क्योंकि पीछे से थोड़ी सी नजर आ रही थी अब ये जो इंटरिकीज है ना ये पूरी उम्र लगा के इसकी हम लोगों ने सीखी है सो वी गिव अप ऑन दिस नाउ